हेलो, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मार्कोस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बीती रात इंडियन नेवी की एडमिट कार्ड आई है और जो बिहार की कट ऑफ गई है वो 88.6 गई है। मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और बिहार के सभी छात्रों से को मैं बताना चाहता हूं कि जो कट ऑफ है वो बिल्कुल बाहर है। स्टेट बोर्ड के बच्चे तो मतलब इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे ही नहीं। इंडियन नेवी से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको 90% पे उठाना है तो आप नोटिफिकेशन में 90% ही दो। बहुत सारे लड़के 2-3 महीने से इसका वेट कर रहे थे, पूरी लगन से पढ़ाई कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनका फ़ायदा क्या मिला? तो एडमिट कार्ड आई ही नहीं। अब कौन सा एग्ज़ाम देगा वो? आपने नोटिफिकेशन में दिया है 60% में यू आर एलिजिबल फॉर SSRN AA। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 75% पे भी नहीं आ रही है। अरे बेवकूफ़ मत बनाइए सर, अगर 90% देना है तो 90% वाले नेवी में SSR में क्यों जाएंगे? आपने CBSE बोर्ड वालों को अगर लेना है तो आप लिख दो कि मुझे CBSE बोर्ड वाले बच्चे चाहिए। आपको पता है बिहार के 90% बच्चे ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जो किसान के बेटे हैं, जिनके पिताजी दिन रात धूप में मेहनत करके खेती करके पैसा कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जिनके पिताजी ऑटो चालक हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नौकरी वाले भी हैं जिनके फादर मदर जॉब करते हों, तो पैसे बहुत मुश्किल से कमा के बाहर में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। नेवी ने सबसे पहले 1-1.5 साल से तो फॉर्म नहीं दिया है, जब फॉर्म दिया तो ऑफलाइन कर दिया। ऑफलाइन किया वहाँ तक ठीक था, सारे बंदे को कम से कम शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। अभी आपने 90% वाले को उठाया है तो 90% वाले में बिहार बोर्ड के एक भी बच्चे नहीं उठेंगे, उसमें CBSE बोर्ड वाले बच्चे जाएंगे। तो बिहार बोर्ड वाले क्या करेंगे? उनका सपना तो अधूरा रह जाएगा। तो पूरी इंडियन नेवी से मैं अपील करना चाहता हूँ, अपने भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा आप मत करिए। अगर आपको जितना में उठाना है, आप एयरफोर्स को देख लो, वो एडमिट कार्ड सबका दे रहा है। आपको यदि 90 में उठाना है तो आपने नोटिफिकेशन में डालने हैं कि 90% पे उठाऊंगा। ये बहुत गलत बात है सर। बहुत सारे बंदे रो रहे हैं, बंदों के साथ आप खिलवाड़ मत करो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की आपकी कोई हक नहीं है। लड़के दिन रात मेहनत करके और आज उनका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो बिल्कुल जीरो है। हमारे नौजवान, आप हमारे पास ऐसे ऐसे नौजवान हैं बिहार की धरती में और पूरे भारतवर्ष की धरती पर ऐसे ऐसे वीर हैं जो आपके इसरो में, DRDO में, रॉ में, IB में जा सकते हैं, लेकिन आप तो कोई वैकेंसी ही नहीं देते हो। जब वैकेंसी देते हो तो 90% पे उठा रहे हो, तो उसमें नॉर्मल बंदे तो जा नहीं पाएंगे सर। हमारी फीलिंग समझो, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर बिहार के बच्चों का कट ऑफ 70% होगा तो इससे हमारा बस एक ही फायदा है कि हमारे देश में, हमारी बिहार की धरती से हमारे नौजवान सेना में जा सकेंगे, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मुझे मिलने वाला नहीं है। मेरी देश की उन्नति होगी, मेरा देश आगे बढ़ेगा, इस बिहार की धरती से हमारे सपूत ज्वाइन कर पाएंगे भारतीय सेना को। तो आपसे अपील है कि आप प्लीज़ इस पे ध्यान दो। जो बिहार के लड़के हैं जिन्होंने मेहनत किया है उस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, सारे बंदों का पैसा आप लें, 250 रुपया जो पहली जो सिस्टम थी उस हिसाब से आप करें, तो इससे क्या होगा कि सारे बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। मान लिया जाए एग्ज़ाम नहीं निकले तो उनमें गलती है, 100% बच्चे में 100% जो बच्चा है वो क्या करेगा, रिजल्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन 100% में 40% रिजल्ट तो ज़रूर आएगा। तो उससे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सर आपने तो सिलेक्शन ही रोक दिया। सब कुछ ठीक है लेकिन सेना में लगातार भर्ती होनी चाहिए सर। अच्छे तरीके से वैकेंसी हो, बंदे को शॉर्टलिस्ट करिए। अगर आपको क्रीम स्टूडेंट चाहिए तो आप उसके नोटिफिकेशन में लिख दिए, बच्चा परेशान नहीं होगा,
सबकी सिलेबस सर अलग होती है, नेवी एयरफोर्स की सिलेबस अलग है, एनडीए की सिलेबस अलग है, वो एनडीए की तैयारी करेंगे, ब्रॉड लेवल पे तैयारी रहेगी उनकी। और नेवी में क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स पे क्वेश्चन बनाने होते हैं, कम टाइम होता है, 100 सवाल होते हैं, 1 घंटा समय रहता है, 100 ट्रिक्स में उनको बनाने होते हैं सर। तो बच्चे ट्रिक्स जानते हैं और पूरी डीपली नहीं पढ़ते हैं, वो बस नेवी एयरफोर्स के लिए उतरते हैं मैदान में। और जब बच्चे कच्चे पहन के मैदान में तैयार होते हैं तो आप भर्ती बंद कर देते हो। तो सर ये बिल्कुल गलत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि इंडियन नेवी के जो भी बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल पाए और वो भारतीय सेना को ज्वाइन कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।